नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आजकल चौंका देने वाला एक घटनाक्रम हो रहा है। एक सरकारी कॉलेज की लड़कियों को व्हाट्सएप पर उनके अश्लील और न्यूड वीडियो भेजकर धमकाया जा रहा है। माता पिता को और लोगों को वीडियो भेजकर बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। वीडियो डिलीट करने की एवज में पैसे मांगे जा रही हैं। छात्राओं ने मामले की शिकायत कॉलेज प्रिंसिपल और पुलिस को दी। छात्राओं ने बताया है कि आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताता है और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की डिमांड करता है। वहीं इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस विभाग और कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। लड़कियों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वो मान कुंवर बाई गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं। उनके व्हाट्सएप पर पिछले 4 दिन से अश्लील वीडियो आ रही हैं। जिस नंबर से न्यूड वीडियो भेजे जा रहे हैं उस पर कॉल करके विरोध जताया तो आरोपी ने खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताया। उसने बताया है कि वह गोरखपुर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर विक्रम गोस्वामी बोल रहा है। तुम्हारे व्हाट्सएप पर न्यूड वीडियो और तस्वीर भेजी है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तस्वीर तुम्हारे माँ बाप तक पहुँच जाएंगे, इंटरनेट पर भी वायरल कर दिए जाएंगे। इस धमकी के चलते कई लड़कियों ने आरोपी के अकाउंट में पैसे भी जमा करा दिए, लेकिन अब वह बार बार पैसे मांग रहा है और उन्हें लगातार दोस्तों ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करके जांच के आदेश दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वर्करों ने भी मामले की शिकायत पुलिस को दी और आरोपी को पकड़ने की मांग की है। प्राथमिक जांच के अनुसार 70 से अधिक छात्राओं के वीडियो वायरल हुए। कई छात्राओं ने आरोपी को 50,000 रुपये तक डर के मारे दे दिए हैं। वहीं कॉलेज प्रबंधकों ने सवाल उठाया है कि आखिर छात्राओं के नंबर आरोपी तक कैसे पहुंचे? स्कूल में रिकॉर्ड के तौर पर नंबर दर्ज होते हैं तो क्या किसी ने आरोपी को नंबर दिए हैं? जबलपुर कलेक्टर SP महिला थाने और मदन महल थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं साइबर क्राइम पुलिस भी आरोपी का नंबर ट्रेस कर रही है। वहीं लड़कियों को साइबर अपराध से बचाने के लिए दोस्तों एक कैंप भी लगाया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां 70 छात्राओं के न्यूड वीडियो उनके व्हाट्सएप पर भेजे हैं और उनसे लगातार पैसे ऐंठे जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश।